दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लेट जेड बी ए रूट ऑफ एक्स टू पावर फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विद जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड टू पावर 15 प्लस जेड टू पावर 16 प्लस जेड टू पावर 17 प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 49 प्लस जेड टू पावर 50। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं। हम देखिए जेड इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर हमारे पास हो जाएगा जेड टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड टू पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड टू पावर 15 प्लस जेड टू पावर 16 प्लस जेड टू पावर 17 प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 49 प्लस जेड टू पावर 50। यहाँ से देखिए हम जेड टू पावर 15 कॉमन ले लेते हैं, जेड टू पावर 15 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 34 प्लस जेड टू पावर 35। हम देखिए इस पूरे टर्म को हम एस के इक्वल मान लेते हैं, लेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 34 प्लस जेड टू पावर 35। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। हम देखिए इस इक्वेशन में हम दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं एस इंटू में जेड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 35 प्लस जेड टू पावर 36। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा एस जेड माइनस एस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे जब हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा जेड टू पावर 36 माइनस 1। यहाँ से देखिए एस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जेड टू पावर 36 माइनस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू जेड टू पावर 36 माइनस 1 अपॉन में जेड माइनस 1। हम देखिए एस को हमने इसके इक्वल माना था, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 34 प्लस जेड टू पावर 35 इज इक्वल टू जेड टू पावर 36 माइनस 1 अपॉन में जेड माइनस 1। इसी क्वेश्चन में हम दोनों साइड जेड टू पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू में जेड टू पावर 15 और इस साइड भी इनटू में जेड टू पावर 15। ये हमारे पास हो जाएगा जेड टू पावर 15 प्लस जेड टू पावर 16 प्लस जेड टू पावर 17 प्लस डॉट 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 प्लस जेड टू पावर 49 प्लस जेड टू पावर 50 इज इक्वल टू, हम देखिए जेड टू पावर 36 को हम लोग लिख सकते हैं जेड टू पावर 5 इसके होल पावर में 7 इंटू में जेड माइनस 1 अपॉन में जेड माइनस 1, और जेड टू पावर 15 को लिख सकते हैं जेड टू पावर 5 इसके होल पावर में 3। जेड टू पावर 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ देखिए इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।